हेलो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोर ट्यूशन सेंटर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ऑन योर स्क्रीन चलिए शुरू करते हैं ध्यान रखिएगा आपके मैथ्स एंड फिजिक्स के डाउट हाँ आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भेज सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ फोर्टी डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड construction. चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको. सिंपल है, इजी है. स्टेप्स लिखते जाएंगे जाएंगे. और बनाते जाएंगे. तो पहला हमारा हमने स्टेप्रो किया ओ जिसका end point है and a is non -terminating point. ये आगे increase होती रहेगी बिकॉज इट इज ए ओके नाउ व्हाट विल डू कंपास को ओ पर रखेंगे

नेक्स्ट इज नाउ विद सेम कंपास मार्क एंड आर्क ऑन सेमी सर्कल टेकिंग कंपास at एट बी it सी देखिए बी पे हमें कंपास का निडल रखना है और यहां से हमें क्या लेना है एक आर्क ड्रॉ करनी है ये हमने ड्रॉ किया आर्क ये जो है इस पॉइंट का नाम लिखा हमने सी ओके okay. नाउ join ओ विद सी ओ को हम सी से जॉइन कर देंगे दिस इज एंगल ऑफ 60 डिग्री लाइन में दिखाया है क्यों क्योंकि हमें 60 डिग्री एंगल नहीं चाहिए हमें 45 डिग्री एंगल चाहिए ये हमने हेल्प के लिए बनाया है ओके ओके वी वी इट नाउ विल डू एंगल बाई सेक्टर एंगल बाई सेक्टर के लिए क्या करते हैं एंगल बाई सेक्टर क्या है सी ओ बी जो एंगल है इसको बाइसेट करना है तो सी और बी से हम क्या करेंगे दो आर्क लगाएंगे सो वी गो वन फ्रॉम सी एंड अदर फ्रॉम बी नाउ जॉइन ओ मर्ज इस पॉइंट एज एम इस पॉइंट को हमने क्या एम मार्क दिया अब ओ और एम को ज्वाइन कर देते हैं ओके अब देखिए हमने क्या किया बीओसी जो एंगल है इसको हमने क्या किया बाइसेट किया ठीक है हमारा इसके कितना 30 डिग्री का एंगल आ गया बाइसेट का मीन्स हाफ साठ का हाफ कितना होता है 30 ओके अब क्या करते हैं जो 30 डिग्री का एंगल और जो 60 डिग्री का एंगल इनको भी बाईसेक्ट करते हैं ठीक है ये जो ओएम रेडियस ने इस सेमी सर्कल को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नाम रख दिया डी ओके नाउ वी हैव टू राइट नाइंथ नंबर ऑफ़ कंस्ट्रक्शन एंड इट इज़ नाउ द एंगल बाई सेक्टर मार्क टू आर्क फ्रॉम सी एंड डी सी से हमने एक आर्क लगाया और डी से हमने एक आर्क लगाया तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आर्क का इसको हम लिख लेते हैं एन ठीक है अब क्या करें ज्वाइन ओ विद एन ओ को हम एन से ज्वाइन कर देते हैं एंड दिस इज आवर डिजायर्ड एंगल दोर्टी फाइव डिग्री लेकिन इसको हमें जस्टिफाई करना है क्या करना है जस्टिफाई सिंपल है वेरी इजी लेट से ये फोर्टी फाइव डिग्री का एंगल हमें मिल चुका है जस्टिफिकेशन के लिए क्या करते हैं जो हमारा पहला स्टेप है उसके ऊपर हम देखते हैं देखिए एंगल सी ओ बी और यू कैन से बी ओ सी एंगल सिक्सटी डिग्री है फिर हमने क्या किया हमने इसका एंगल बायसेकटर बनाया ओ एम बनाया था तो इसका एंगल बाई ये रहा ओ इफ ओ इज एंगल बाई सेक्टर देन एंगल सी ओ डी एंड एंगल डी ओ बी बोथ विल बी इक्वल और दोनों आधे आधे होंगे तो क्या होगा सिक्सटी डिग्री का हाफ थर्टी डिग्री सो वी गॉट थर्टी डिग्री ओके नाउ एंगल सी ओ डी सी हाइड हो चुका है सी ओ डी थर्टी डिग्री है इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा जैसे ओ एन इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी ओ डी सी ओडी का एंगल बाई करेंगे तो दो एंगल बनेंगे सी ओ एन एंड एन ओ डी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और कितने डिग्री के होंगे फिफ्टीन डिग्री के होंगे बिकॉज थर्टी का हाफ कितना फिफ्टीन फिफ्टीन ओके अब देखिए हमें प्रूव करना था कि एन ओ बी जो एंगल है वो क्या है फोर्टी फाइव डिग्री है तो विल टेक एनओ बी इज इक्वल टू एनओ डी प्लस डी ओ बी दोनों एंगल्स के बराबर है फिफ्टीन प्लस थर्टी एनओडी कितना फिफ्टीन डिग्री एंड डी ओ बी कितना थर्टी डिग्री सो इट विल बी फोर्टी फाइव डिग्री यही मैं प्रूव करना था हेंस जस्टिफाइड इन केस ऑफ एनी डाउट कमेंट इन द सेक्शन बिलो थैंक्स फॉर वॉचिंग है स्टे डोन्ट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके